हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाली फूड कॉर्नर। आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ कि मामी सेवई की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और साथ में बहुत यम्मी भी होता है। इसको बनाना ही उतना आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो चलिए देरी करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर रख देंगे एक पैन, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, और घी हमारा यहाँ पर मेल्ट हो गया। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 कप मखाना। मखाने को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे। तो मखाने को भी क्रंची होने तक इसे रोस्ट करना है। यहाँ पे हमारा मखाना जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब सेम पैन में इसमें हम 2 चम्मच अगेन घी ऐड करेंगे, और इसको भी हम मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो गया। यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पे पिस्ता लिया है, 2 चम्मच हमने यहाँ पे मेलन सीड्स लिया है, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच बादाम, और कुछ हमने यहाँ पे नारियल के कतरन ले लिया है। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो हमें ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है गाइस, हल्का सा हम इसे रोस्ट करेंगे, इससे इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। अब इसको एक प्लेट में हम फटाफट ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब सेम प्रोसेस में हम 2 चम्मच अगेन घी ऐड करेंगे, और इसको भी हम मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3 कप सेवैयाँ। तो यहाँ पे हम बारीक वाली सेवैयाँ यूज़ कर रहे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स ये बारीक वाली सेवई का ही यूज़ किया जाता है। इससे जो इस सेवई बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। मोटी वाली जो सेवई होती है उसे ये रेसिपी अच्छी नहीं लगती है, वैसे आप उसे भी बना सकते हैं। अब इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेवई जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पर इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 कप बिल्कुल हॉट मिल्क। तो यहाँ पे बिल्कुल गर्म गर्म दूध ऐड कर रहे हैं, और इस तरह से चारों तरफ हम सेवैयों के ऊपर ऐड कर देंगे। इस रेसिपी को बनाने में सिर्फ हमें 1 कप मिल्क की ही ज़रूरत पड़ेगी, और इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। इससे हमारी जो सेवैयाँ हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। और अब इसको हम कवर कर देंगे, कवर करके इसको हम साइड में रखते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप शुगर, और अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 कप वाटर। तो 2 कप शुगर के साथ यहाँ पे हम 4 कप वाटर का यूज़ कर रहे हैं। इतने सेवैयों में ये मीठा काफ़ी होगा। और अब शुगर को हम मिक्स करते इसे मेल्ट कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे, और यहाँ पे हमारा शुगर मेल्ट हो गया है। इस स्टेज पर इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं 1 टीस्पून क्रश किया हुआ हरी इलायची, और अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे सेवैयों में बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और अब इसमें हम एक बॉयल आने देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चाशनी में बॉयल आ गई है। हमें यहाँ पे 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें इसे एक बॉयल आने तक ही पकाना है। अब इस स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 पिंच रेड फूड कलर। फूड कलर गाइस ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो सिरप है वो रेडी हो गया है। तो अब इस स्टेज पर इसमें हम ऐड कर देते हैं रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें मखाना। तो हमने मखाने को यहाँ पे क्रश कर दिया है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिया है, और अब इसको इसमें हमने ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम साइड में रख लेंगे एंड में गार्निशिंग के लिए। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पर इसमें हम ऐड कर देते हैं रोस्ट की सेवैयाँ। सेवैयाँ गाइस दूध ऐड करने से हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। ये प्रोसेस करने से फ्रेंड्स हमारी सेवैयाँ जो है बहुत ही जूसी बनती हैं और सॉफ्ट बनती हैं। अब इसको हम चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और अब इस स्टेज पर इसमें हम ऐड कर देते हैं खोया। तो यहाँ पर हम 250 ग्राम्स खोया लिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने खोया जो है वो घर पर बनाया है, और हमारा खोया जो है बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर आप मार्केट से खोआ ला रहे हैं या आपने फ्रिज में स्टोर करके रखा है, तो आप उसे थोड़ी देर रोस्ट कर लें। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब आप सेवैयों में ऐड करें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोया ऐड करने से गाइस इस सेवई का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम लीर लगा देंगे और कुछ मिनट तक इसे कुक कर लेंगे, जब तक ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले और सेवैयाँ सॉफ्ट ना हो जाए।
थोड़ी देर के बाद इसे हम चेक कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सेवैयाँ जो है अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ली है और बहुत ही सॉफ्ट और यमी सा हमारे यहाँ पे मामी सेवई बनके तैयार है। गाइस आप इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। इससे ज़्यादा भी इसे हमें कुक नहीं करना है, गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हमारा बिल्कुल जूसी सा टेस्टी सा मामी सेवई बन के तैयार है। यहाँ पे हमने गर्मा गर्म प्लेटिंग कर लिया है और अब इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो हमने जो साइड में रखा था ड्राई फ्रूट बचा के, उससे हम इसे गार्निश कर रहे हैं और थोड़े से हम इसके ऊपर मावा ऐड कर देंगे। तो गाइस आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी है, माउथ वाटरिंग रेसिपी है। गाइस आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Bye.